देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं, एक लड़का है रहमान, ठीक है, वो ऐसे व्हील्स बना रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज स्पोक्स, ठीक। लेकिन ये कह रहा है कि जैसे ये एंगल है, ये इनके बीच का सेम होना चाहिए। देखो 90 है, जब हमने चार स्पोक्स लगाए हैं, है ना, 1 2 3 4, इसके बीच का एंगल 90 है। फिर देखो हम सब पे 90 90 आ रहा है कि नहीं। जब 6 लगाते हैं हम स्पोक्स, 1 2 3 4 5 6, तो सबके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्रीज आ रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम एक चीज़ यहाँ पे ये देखते हैं कि जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स तुम्हारे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो एंगल है वो कम हो रहा है। इसका मतलब दे आर, बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब इसका क्या वो होगा, ये है तुम्हारा x एंड दिस इज y, ठीक है, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, ठीक। मतलब 4 x1 90 इक्वल्स टू 8 y3, ठीक है बच्चों। 6 x 60 भी करोगे तो भी सेम ही आएगा, सही, कोई सा भी ले लो। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को करा, ताकि मेरे पास y3 आ जाए, ठीक है। क्या करोगे यहाँ से, 8 द मल्टीप्लीकेशन में यहाँ ले लो, ये डिवीजन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 45। तो y3 कितना आ गया, 45 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर। डिग्रीज लगा दो यहाँ पर, दिस इज y3, ठीक। अब आ जाओ तुम अपना, अगर हमारे पास 10 स्पोक्स हो जाते तो हमारा बीच का एंगल कितना होगा, y4 निकालते हैं हम, ठीक है। तो देखो 4 x 90 सिंपल है, उसी वाली रो में इन दोनों को मल्टीप्लाई, कॉलम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर इक्वल टू लगा के उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है। 10 इधर है, 10 को नीचे ले लो, ठीक। 0 से 0 4 9 36, तो y4 कितना हो गया तुम्हारा, 36 डिग्रीज। यूनिट लगा दिया करो, ठीक, कि अगर मैं 10 स्पोक्स लगाती हूँ तो सबके बीच का जो एंगल होगा वो 36 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसमें y5 निकालना है हमें, 4 x 90, तुम ये 6 x 60 इक्वल टू 8 y3 भी कर सकते हो, जो तो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। 12 y5, क्या करोगे, 12 को नीचे ले आओ, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो 1 3 3 3 9 0, तो y5 कितना आ गया तुम्हारा, 30 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है। आ गया तुम्हारे पास, ये तुम्हारी टेबल कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अभी आधा तुम्हारा रह गया है, नेक्स्ट पेज पे इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट। फर्स्ट एक कह रहे हैं, क्या ये जो स्पोक्स हैं तुम्हारे और जो एंगल है बिटवीन द टू एंगल्स, है ना, बिटवीन द टू स्पोक्स, ये आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, क्योंकि देखो एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो रहा है ना। देखो 4 के बाद 6 हुआ, 15 हुआ, तो ये 90 से 60 आ गया, ये और कम हो जाएगा। अब आ जाओ थर्ड सेकेंड पार्ट पर, ये कह रहे हैं अगर तुम्हारी नंबर ऑफ स्पोक्स 15 हो जाती है तो एंगल कितना फॉर्म होगा, ठीक है। फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाओ, x into y x1 y1 इक्वल टू x2 y2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्या करोगे अब तुम, 4 x 90 इक्वल्स टू 15 x y3, ठीक है। 15 को यहाँ लिया, सही है, 3 से कर लो, 3 5 15, 3 3 9 0, 5 6 13, ठीक है। तो y3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 24। तो अगर तुम्हारा 15 स्पोक्स लगती हैं तो सबके बीच में एंगल कितना फॉर्म होगा, 24 डिग्रीज, ठीक। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे जो एंगल है बिटवीन टू स्पोक्स वो 40 डिग्री है, तो ये बताओ कितने स्पोक्स लगाने पड़ेंगे। ये तुम्हारा एंगल 40 डिग्रीज है, तुमने एंगल में देख लिया, तुम्हें कितने स्पोक्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर यही वाला फॉर्मूला लगाओ, x1 y1 इक्वल टू x3 y3, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें पता है 4 x 90 इक्वल्स टू x3 x 40 डिग्रीज, ठीक है। 40 को नीचे ले आओ, 10, 0 से 0 गया, तो x3 कितना हो गया तुम्हारा, 9। मतलब यहाँ पे तुम्हारे 9 स्पोक्स लगेंगे,
ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब तो आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।